Hey guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are doing well. आज मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है. ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट डिश है. सो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर बटर मसाला. काफ़ी लोगों का मानना है कि पनीर की जो रेसिपी होती है वो मोस्टली सेम ही होती है, बट आई थिंक पनीर बटर मसाला की जो ग्रेवी होती है उसकी वजह से ये रेसिपी थोड़ी सी अलग हो जाती है. तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं. पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, फिर उसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया है. अब हम इसमें अपने पनीर क्यूब्स को ऐड कर रहे हैं. अब इसे हल्के हाथों से चला लेंगे एंड देन हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे एंड थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे. अब इसे भी हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे एंड थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे. ज़्यादा देर इसे फ्राई नहीं करना है, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे. ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं. नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर आवर ग्रेवी. इसके लिए हम मिक्सर जार में 3 से 4 कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, देन गार्लिक ऐड करेंगे एंड ये हमने 8-10 काजुओं को तोड़ के 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रख लिया था, उसको भी हम ऐड कर लेंगे. एंड देन हमने इसमें धनिया पत्ती के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको ऐड किया है एंड ग्रीन चिली ऐड करी है. आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है. एंड देन मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा जीरा पाउडर ऐड किया है. ये देखिए इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है. जिस पैन में हमने अपने पनीर फ्राई किए थे सेम पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और इसमें 1 टुकड़ा हम दालचीनी का ऐड करेंगे और 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे. एंड देन मैंने इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड किया है. तेज पत्ता डालना भूल गई थी मैं, इसलिए बाद में ऐड कर रही हूँ. गार्लिक को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए एंड देन उसके बाद हम चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे. इसे भी हम चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे. अनियन हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें अपनी प्यूरी ऐड कर देंगे. इसे अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे एंड देन हम उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे गरम मसाला, पनीर मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है मैंने. थोड़ी सी शुगर भी ऐड करी है मैंने, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी. शुगर जो है वो टमाटर के खट्टेपन को बैलेंस करेगा. मसाले को हमें अच्छे से 5 से 7 मिनट तक के लिए पकाना है मीडियम लो फ्लेम पर. यहाँ हमारे मसाले पक चुके हैं, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे. पानी ऐड करके भी हम थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे 2 मिनट के लिए. उसके बाद हम इसमें अपने पनीर क्यूब्स ऐड कर देंगे. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे. अब हम यहाँ थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, ये मेरी घर की क्रीम है. अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसे 1 मिनट के लिए हम और पका लेंगे. अब ये हमारा पनीर बटर मसाला रेडी है, इसे सर्व कर लेते हैं. मैंने यहाँ लच्छा पराठा के साथ सर्व किया है. आप चाहें तो रोटी या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं. आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा. आई एम श्योर यू विल लव इट. इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.